फर्स्टली मैं सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको गाने के लिए भी और एक और चीज के लिए भी जो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो गाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। सो कैसा लग रहा है अभी, क्योंकि गाना है, नया लुक है, लोग इतना पसंद कर रहे हैं उस लुक को, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा है, ये तो मैं बोलूँगा कि काम में भी और पर्सनल लाइफ में भी आई थिंक काफ़ी सही टाइम चल रहा है। काम में तो आप सभी जानते हैं कि काम तो आप लोगों के सामने करता रहा हूँ और कुछ अलग करने की कोशिश की है, वो लोगों को पसंद आता है। और गानों में तो मुझे लगता है कि इस पिछले एक साल में तो मैं काफ़ी लकी रहा हूँ कि मुझे अच्छे गाने मिले। तीसरी से के साथ काम करने का मौका मिला, जुबिन और मेरी एक जोड़ी, नई जोड़ी बन गई है इस शहर में, जहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जुबिन के आवाज़ के साथ मैच करना, वो बहुत बड़ी बात होती है। और वो मेरे दोस्त हैं, भाई जैसे हैं, उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है जुबिन के लिए। एंड जो पूरी टीम थी, एक्चुअली गाना हिट होना ही था क्योंकि टी सीरीज, जुबिन, मीट ब्रदर्स जिन्होंने कंपोज किया, रश्मि विराग जिन्होंने लिखा है, नवजीत भुट्टर जिन्होंने डायरेक्ट किया, तो आई थिंक ये इतनी स्ट्रॉन्ग टीम थी, तो ये ऐसे गाना जो बन गया है जो ज़िंदगी भर चलेगा। ये कुछ गाने होते हैं जो हिट होते हैं और 3-4 महीने के बाद बंद हो जाते हैं, लेकिन ऐसे कुछ गाने हैं ये तेरी गलियों से जो ज़िंदगी भर चलेगा, जो हमें हमेशा कहीं ना कहीं आप सुनते रहोगे। एंड मैं बहुत लकी रहा कि मुझे मौका मिला यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग टीम तो थी, लेकिन यू नो वक्त भी बहुत ही खास था, क्योंकि 15-10 का टाइम था, उस चीज़ को कितना श्रेय देना चाहेंगे, क्योंकि 15-10 का टाइम था तो वो वक्त भी बहुत अच्छा था और गाना तो ऑब्वियसली यू नो उस चीज़ को लेकर है, तो उस रिलेटेड क्या कहते हैं? देखिए, ये गाना दोनों सिचुएशन में जाता है, देशभक्ति में भी जाता है और जिनका दिल टूट गया है उसमें भी जाता है, तो ये बहुत रेयर होता है। टाइमिंग डेफिनेटली काफ़ी अच्छा था कि 15 अगस्त के आसपास हमने रिलीज़ किया ताकि लोगों में लोग तुरंत कनेक्ट कर पाएँ। बट अभी जब 15 अगस्त चला गया है तो लोगों में दिल तो टूटते रहते हैं, लोगों के बहुत ही ज़्यादा टूटते हैं, तो जो जिनका दिल टूट चुका है वो भी ये गाना सुन रहे हैं, वो भी रील बना रहे हैं, मुझे टैग कर रहे हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं अच्छा हो रहा है। देवीना तो बहुत बड़ी क्रिटिक है मेरी लाइफ में, मतलब वो मेरे काम को बहुत ही गौर से देखती है एंड उसको ये गाना काफ़ी, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ नुक्स निकाल ही देती है, लेकिन उसको इस गाने में बड़ा मज़ा आया, अच्छा आया, क्योंकि उनको पता है कि गुरमीत फौजी ड्रेस में फौजी बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत अच्छे से निभाता है, तो आई थिंक देवीना से अच्छे मार्क्स मिल गए मुझे। आपका बहुत ज़्यादा साथ भी देती है इन टर्म्स ऑफ आपकी फिटनेस को, हम आजकल देखते हैं सोशल मीडिया पर वो कुकिंग के वीडियोस डालती है जब आपके आपके लिए वो कुक करती हैं, और आप खास तौर पे जब इतनी स्ट्रिक्ट डाइट पर होते हैं तो ये डाइट जो है वो खास तौर पे इसी गाने के लिए था या किसी और चीज़ की तैयारी चालू है जिसके लिए ये डाइट जो है वो स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो की जा रही है? नहीं, डाइट तो ऐसा यार मेरी लाइफ में कि वो हमेशा ऐसा ऑन रहता है, और मुझे ऐसे लगता है अच्छी लाइफ जीने के लिए अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा खाना मतलब अनहेल्दी नहीं खाता हूँ, खाता हूँ और अच्छा खाता हूँ, लेकिन हेल्दी खाना खाता हूँ और वो बहुत ज़रूरी है। खाना अगर आप अच्छा खाओगे तो आप अच्छा सोचोगे भी, और अच्छा इसलिए आप काम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, बस इसीलिए। नहीं अभी इतना काफ़ी, और कौन सा सरप्राइज आप सुनना चाहते हो? नहीं काम तो मतलब फिटनेस तो गुरमीत चौधरी इंडस्ट्री में टाइप कास्ट है कि ये फिट बॉडी है, तो मेरी कास्टिंग भी ऐसी होती है कि कोई फिट लड़का है ऐसा हीरो चाहिए, तो मैं ऑलरेडी हूँ, तो इसीलिए मुझे अपने आप को फिट रखना ही पड़ता है। सो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कि एक चीज़ ये गाने के लिए तो कर ही रहे हैं, दूसरी चीज़ सो इस सेकेंड बेबी की अनाउंसमेंट ने भी एक अलग आपके फैंस को एक्साइटमेंट लेवल पर डाल दिया है। वेल हम कह सकते हैं आप जितने खुश हैं उतने ही ज़्यादा आपके फैंस भी खुश हैं। वेल टेल मी व्हाट वाज द फीलिंग व्हेन यू हर्ड दिस सेकंड बेबी वाली न्यूज़? आई थिंक सरप्राइजिंग था मेरे लिए, तो काफ़ी बड़ा सरप्राइज था हम दोनों के लिए, क्योंकि लियाना आप सभी जानते हो कि इतना हम प्यार करते हैं, आप सबका प्यार मिला है, वो तो ऑलरेडी स्टार है, अब तो मुझे लोग बोलते हैं लियाना की डैड, तो ये ऐसा बहुत ही हुआ नहीं है कभी लाइफ में। बट लियाना आने में टाइम लगा, ऐसे नहीं है कि हम आसान से, आई मीन बहुत लोग इससे गुजरते हैं,
हमें 3-4 साल लगा, डॉक्टर के पास गए, यहाँ गए, वहाँ गए, तब जाके बड़े मेहनतों के बाद, मतलब काफ़ी हम भागा दौड़ी के बाद तब जाके लियाना हुई हैं। और उसके बाद कहते हैं ना, जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और ये एक सरप्राइज़ था। तो जिस चीज़ के लिए हम इतने सालों से भाग रहे थे, और देर था, सब होते ना, देर है देर, हाँ, देर है, दुरुस्त दुरुस्त है। है, तो मुझे लगता है कि हम दोबारा पेरेंट्स बनने जा रहे हैं। और अब मैं कह सकता हूँ कि हम दो, हमारे दो, ये कंप्लीट फैमिली हो गई है। और आप सभी का फैंस का इतना प्यार मिला, क्योंकि उनकी उनकी वो लोग भी हमें फैमिली की तरह मानते हैं। वो लोग भी हम जिस जैसे खुश होते हैं, वो लोग भी उतना ही खुश होते हैं। तो आई थिंक इट्स अ कंप्लीट फैमिली, वी आर ब्लेस्ड कि हमें लियाना आई लाइफ में, और दोबारा हम पेरेंट्स बनने जा रहे हैं बैक टू बैक। और आई थिंक ये सबसे सही चीज़ है कि लियाना को एक 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 और भाई या बहन मिल गया, मिल जाएगी, और दोनों साथ में बड़े होंगे, और हम तो हैं ही। हम अगर लियाना की बात करें तो एज अ पेरेंट्स आपने टाइम दिया है, दोनों ने ही टाइम दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर फील कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी लियाना छोटी है एंड देन सेकेंड बेबी का अराइवल, आपको और ज़्यादा टाइम निकालना पड़ेगा, और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, इस चीज़ का थोड़ा प्रेशर है। नहीं यार, प्रेशर तो देखिए, जब बड़ी खुशियाँ होती हैं तो छोटी मोटी चीज़ें ना प्रेशर हम काउंट ही नहीं करते। तो हमारे लिए खुशी इतनी है ना, क्योंकि मैं जब लियाना जब अभी 5 महीने की हो गई है, तो मैं ऑलरेडी मिस कर रहा था कि जब लियाना, जब याद है देबी ना, जब वो एक दिन की थी, वो रिएक्शन, हम दोनों रो रहे थे उसको देख के, और उस टाइम पे इतना हम ऐसे थे, लॉस थे। फिर उसके बाद दूसरे दिन उसका रिएक्शन कैसा था, और फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं तो वो चीज़ें मिस कर रहे हैं। लेकिन मिस इतना मिस किया कि हमें दोबारा दोबारा पेरेंट्स बनने जा रहे, तो दोबारा हमें हमें वो वापस रिवाइंड करके हम उसको देख सकते हैं। तो आई थिंक प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं है, जितना भी हम कर सकते हैं हम उतना करेंगे। और मेरा ये मानना है कि लाइफ में एक सही टाइम पे बच्चे होने ज़रूरी हैं, क्योंकि क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि जब कुछ भी नहीं था, अब लाइफ में कुछ है तो मैं अपने बच्चों को वो सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ, दे सकता हूँ, जो मैं बचपन में नहीं हो पाया था। तो ये सही टाइम पे सब कुछ हुआ, एंड आप लोगों की ब्लेसिंग्स से सब कुछ अच्छा रहा। देवीना के साथ में एक्सपीरियंस की होगी, लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपने मिस कर दी होंगी काम के रिलेटेड, काम की वजह से या बिजी रहने की वजह से। तो कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ जो आप अभी सेकंड बेबी में खास तौर पर चाहेंगे कि आप वो करें? आई थिंक लियाना में तो हमने सब कोई चीज़ का किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हमने अपना बेस्ट दिया है, और हमें फैमिली का इतना सपोर्ट मिला है कि ओ लियाना भी बड़ी स्वीट है। मैं 9:30 बजे सो जाता हूँ, 9:30-10 बजे तक सोता हूँ, 4 बजे उठ जाता हूँ सुबह, वो भी 8 बजे सो जाती है, और सुबह 5 बजे 5:30 बजे उठ जाती है, खुद उठ जाती है, फिर उसका मसाज और वो सारी चीज़ें चलती हैं। तो वो काफ़ी प्यारी बच्ची है यार, हमें लोग मिलते हैं तो बोलते हैं कि रात को तो सोना नहीं हो रहा होगा, बट लकीली टच उट हम रात को आराम से सो पाते हैं। लियाना भी टाइम पर सोती है, सब लोग बोलते हैं कि गुरमीत जैसा है, सुबह 4 बजे उठने वाली लड़की है। एंड आई थिंक हमने तो सारा प्यार दिया है, आई थिंक जो भी लड़का हो या लड़की हो, वो भी जो आएगा तो हम भी वैसे ही अपना बेस्ट देंगे, ताकि परवरिश में कोई कमी इन दोनों को ना हो। और जो लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो तो देंगे ही, मिलेगा ही मिलेगा, उससे भी ज़्यादा मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि मैं ऐसी चीज़ उनको दे पाऊँ जो शायद मैंने कभी कभी सीख नहीं पाया ऐसा लाइफ के बारे में, ताकि वो उन सब चीज़ों को लेके वो आगे बढ़े और एक अच्छी इंसान बने वो। वेल, काफी सारे आपके दोस्तों ने भी आपको विशेस दिए हैं, लेकिन किसका सबसे पहले आपको कॉल रिसीव हुआ है इस न्यूज के बाद में? देखिए, फैमिली को तो, क्लोज फ्रेंड्स और क्लोज फैमिली को तो पता ही था, लेकिन इस न्यूज के बाद तो आई थिंक सारे लोगों का कॉल आ गया है। सबसे पहले तो मैं आपको क्या ही बोलूँ, इतना कॉल, इतना मैसेज आया है, हर जगह से मुझे कॉल आ रहा है, हर जगह से मैसेज आ रहा है। वैसे ऐसे लोग मैसेज कर रहे हैं जो हम लोग टच में नहीं रहते हैं, लेकिन उनको इतनी खुशियाँ मिली है। और सबसे अच्छी बात है, जो मेरे फैंस हैं, हम मेरे और देबीना के, हमें गुरबीना बोला जाता है, वो सारे फैंस का एक सेलिब्रेशन चल रहा है, मिठाइयाँ बांट रहे हैं वो लोग, आई थिंक बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगता है कि फैंस एक फैमिली की तरह हैं। जैसे कि गुरमीत आपने कहा कि गाने के मामले में आप लकी रहे हैं इस वक्त में, अभी तक आपने जितने भी गाने कहे हैं ओवरऑल सबको बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला है। आगे के क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स लाइन में होने वाले हैं, गाने होने वाले हैं, फिल्म होने वाली है, क्या होने वाला है?
देखिए गाने तो मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि गानों से आप जैसे मैंने कहा कि आप जिंदा रहते हो, आप लोगों को गाना बहुत पसंद है, जो चीज़ मुझे लोग पसंद कर रहे हैं तो उसको मैं क्यों बंद कर दूं। रही बात फिल्में और OTT की, वो उस पर ऑलरेडी बात चल रही है और इंतज़ार है कि जल्दी मैं अनाउंस कर पाऊँ। कुछ चीज़ें होती हैं कि कभी कभी आपको चेंज भी करना होता, नहीं अभी हम मैं करने वाला था लेकिन फिर लगा कि नहीं यार ये टाइम पर ये फिल्में नहीं करनी चाहिए, हम ऐसा कुछ करते हैं। तो क्योंकि ये सारी स्टेप भी तभी ले पाता हूँ क्योंकि एक एक्टर का सबसे बड़ी बात है कि जो दिखता है वो बिकता है। मैं दिख रहा हूँ, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, दिखना ज़रूरी है, तो मैं आपको हमेशा एंटरटेन करते हुए दिखूंगा। रही बात फिल्मों का OTT का, तो ये टाइम ऐसा चल रहा है जहाँ पे आपको खुद को भी फिगर आउट करना पड़ता है कि कैसी फिल्में करनी चाहिए, कैसी फिल्में आपके पास आ रही हैं, तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। बट मैं बहुत ही अच्छे स्पेस में हूँ और आपको ऐसे ही दिखता रहूँगा, एंटरटेन करता रहूँगा। बहुत टाइम हो गया है आपने इस इंडस्ट्री में दिया है, आप TV भी किया है, आपने OTT कर लिया है, मूवीज कर लिया है, गाने कर लिए, बट देन स्टिल जब आपकी कोई भी बात करता है तो वो TV एक्टर वाला जो टैग आपको दिया जाता है। वेल अभी का वक्त जो है वो बहुत आगे चला गया, वेल हम सभी को प्रिफर करते हैं इंडियन एक्टर बोलना, लेकिन फिर भी ये जो टैग आपको दिया जाता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं उन एक्टर में से हूँ कि ऑलरेडी मुझे फिल्म एक्टर बोला जाता है, बॉलीवुड एक्टर बोला जाता है, मीडिया में ही बोला जाता है, लोग भी जानते हैं, लोगों को पता है कि TV मेरा काफ़ी स्ट्रांग रहा है। स्ट्रांग मतलब मैंने काफ़ी अच्छे शोज़ दिए हैं, रियलिटी शो जीते हैं और बहुत ही कम टाइम में काफ़ी अच्छा अचीव किया है TV में। तो TV इतना स्ट्रांग रहा है तो उसका हावी होना या उसका आशीर्वाद ही मैं बनूँ, क्योंकि TV के बदौलत मुझे फिल्में मिली हैं। लेकिन लकीली मुझे अब तो मुझे TV एक्टर कोई बोलता ही नहीं है, TV किया है जैसे वो याद रहता है। जैसे शाहरुख सर का हम आज भी सर्कस के बारे में बात तो करते ही है ना, तो उन्होंने किया है तो बात करेंगे, तो उन्हीं का मेरे लिए TV मेरा बेबी है, TV ने मुझे इतना सब कुछ दिया है और TV में ऐसे शोज़ किए हैं जो मैं कभी भूल नहीं सकता, उसकी बात हमेशा होती रहेगी। और लकीली लेकिन मुझे सब फिल्म एक्टर बोलते हैं, विच इज़ गुड। मैं अपने सारे फैंस को यही कहना चाहूँगा कि मेरा नया गाना तेरी गलियों से रिलीज़ हो चुका है, बहुत अच्छा कर रहा है, ऑलरेडी ट्रेंडिंग में है। प्लीज़ ये फिल्म ये गाना फिल्म की तरह शूट किया, ये गाने को ज़रूर देखें और मुझे बताइए, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके कमेंट्स कीजिए कि आपको ये इंटरव्यू के बाद आपको इंटरव्यू कैसा लगा और आपको गाना कैसा लगा। थैंक यू, थैंक यू।